नमस्कार, मैं सुमन कोहली ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगी शनि देव पर। शनि देव, जैसे कि सभी जानते हैं, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और इस समय वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। कल 23 मई 2021 को दोपहर 2:50 पर शनि देव वक्री होंगे और वो 11 अक्टूबर 2021 को वापस मार्गी होंगे। ये 141 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे कि शनिदेव अगर वक्री होंगे तो वो क्या इफेक्ट लाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वक्री ग्रह जो होते हैं वो तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब शनिदेव जो है इसमें किस तरह का इफेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ बात करना चाहूंगी। वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि सूर्य से उसकी दूरी होना और पृथ्वी के वो पास में होना। जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है और पृथ्वी के पास हो जाता है तो वो वक्री हो जाता है। तो इसका मतलब, अगर वो पृथ्वी के पास हो गया तो इसका मतलब वो एक्टिवेट, उसका पृथ्वी पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो जितना पहले जिस राशि में जैसे चल रहा था, इस समय वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर वो अच्छा इफेक्ट कर रहा था तो ज्यादा अच्छा करेगा, नहीं अच्छा कर रहा था तो ज्यादा खराब करेगा। मीन्स उसका इफेक्ट पहले से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जैसे करेंगे कि 12 राशियों के बारे में है, तो यहाँ एक बात मैं कॉमन बताऊंगी कि सभी राशियों के लिए मानसिक अशांति तो बनी रहेगी। हाँ, किसी राशि पर इसका थोड़ा इफेक्ट कम आएगा, किसी पर ज्यादा आएगा। जैसे कि शनि की जो राशियां हैं, मकर राशि है, कुंभ राशि है, इन पर तो शनि का जो है साठसत्ती भी जो चल रही है। शनि की साठसत्ती इस समय धनु, मकर और कुंभ पर चल रही है। धनु पर उसकी लास्ट ढैया है और कुंभ पर अभी इस समय साठसत्ती स्टार्ट हुई है। पर कुंभ राशि में भी जो है साठसत्ती इतना खराब नहीं करेगी, क्योंकि वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और वहां पर शनि ज्यादा खराब नहीं करेंगे। अब तुला राशि जिसमें शनि उच्च के होते हैं, वहां पर शनि की ढैया चल रही है, पर वहां पर भी वो उतना खराब नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि शनि किसी की कुंडली में अगर नीच के हैं और सही पोजिशन में नहीं है तो उनको शनि के वक्री होने का इफेक्ट ज्यादा आएगा। उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर है या किसी की कुंडली में शनि वक्री होकर अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो उनके लिए शनि जो है वो अच्छा ही फल देंगे। तो यहाँ सबके लिए एक मैं सिंपल रेमेडी बता देती हूँ कि शनि को ठीक करने के लिए सिर्फ एक बात है कि आप हर काम जो है सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करें, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश है। वो आपको बहुत ही जल्दी अपना फैसला सुना देंगे। वो अगर थोड़ा सा भी गैर कानूनी काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं इस समय। तो यहाँ पर हर काम अपना ईमानदारी से करें, उस शिव शंकर की पूजा करें, उपासना करें और हनुमान जी की जो है, हनुमान जी के फोटो देखें, उनके मंदिर में जाकर दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के जल, पीपल को जल दें, उसकी जड़ को जाकर जल दें। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इनको करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है अपना काम, क्योंकि शनिदेव को डिसिप्लिन पसंद है, तो हर काम अपना डिसिप्लिन के हिसाब से करें। अगर मॉर्निंग में शावर लेना है तो मॉर्निंग में ही लें, अगर दोपहर का खाना राइट टाइम पे है तो उसको उस टाइम पे करें, रात को टाइमली सोना है तो टाइम पर ही सोएं। अगर आप अपना काम डिसिप्लिन से करते हैं तो शनिदेव इससे भी प्रसन्न होते हैं, तो उससे उनको उतनी परेशानियां नहीं आती। तो यहाँ पर यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर शनि वक्री हो रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी को ही चल रही है इस समय, जैसे कि शनि जो है वो वर्कर्स को भी बहुत ही, वर्कर्स का या गरीबों का, इन सारों का ही जो है कारक है। तो इन लोगों को इस समय रोजमर्रा की परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ेंगी। इन 4 महीनों में भी ज्यादा उनको परेशानियां आ सकती हैं। तो सिर्फ इन चीजों का जो मैंने अभी रेमेडी के लिए बताया, इनको करें, जिससे कि शनिदेव आपके लिए अच्छा करेंगे। धन्यवाद।